Welcome to the YouTube channel of 30 minutes. इंडिया में प्रेगनेंसी से बड़ी कोई गुड न्यूज नहीं होती है। हर कपल, हर फैमिली इस खुशखबरी के लिए कई सारी तैयारियां करते हैं, पर ये तैयारी सब फैमिलीज के लिए एक सी नहीं होती है। वैसे तो प्रेगनेंसी का सफर 9 महीने में कंप्लीट होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ कपल्स के लिए ये जर्नी 9 महीने से कई ज्यादा लंबी होती है और उन्हें IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का सहारा लेना पड़ता है। आइए जानते हैं IVF के बारे में और कैसे आपका हेल्थ इंश्योरेंस इस जर्नी में हेल्प कर सकता है। व्हाट इज IVF? IVF एक ऐसा फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है जो उन कपल्स की हेल्प करता है जिन्हें कंसीव करने में यानी प्रेग्नेंट होने में डिफिकल्टी होती है। इंडिया में सालाना 2 to 2.5 lakh IVF साइकिल्स होती है जिसका सक्सेस रेट 60% है। Why is IVF needed? IVF चूज करने के कई रीजन हो सकते हैं, जैसे इनफर्टिलिटी या लेट प्रेगनेंसी की चॉइस। WHO के हिसाब से 1 out of 6 लोगों को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे PCOS, स्मोकिंग, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, यहाँ तक कि पॉल्यूशन भी इनफर्टिलिटी का लीडिंग कॉज माना जाता है। इसके अलावा कई लोग प्रैक्टिकल रीजंस के कारण लेट प्रेगनेंसी भी चूज करते हैं, जिसमें IVF की जरूरत पड़ सकती है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। इज IVF कवर्ड इन हेल्थ इंश्योरेंस? इंडिया में IVF की एक साइकिल का कॉस्ट ₹1.1 lakh रुपीज से ₹4 lakh के बीच हो सकता है। बट खुशखबरी की बात ये है कि अब ऐसा कुछ प्लान्स हैं जो IVF ट्रीटमेंट को कवर कर सकते हैं और कपल्स की इस इमोशनल जर्नी में फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। तो आज ही अपने टर्टलमैन एडवाइजर से कनेक्ट कीजिए और जानिए कौन सी पॉलिसीज IVF कवर करेगी और उनका वेटिंग पीरियड क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो से यूजफुल लगा है तो और भी ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोज के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।